हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज सीकर्स। गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको महाराष्ट्र के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सीएस और आईटी के जो कट ऑफ्स है गाइस, वो बताने वाला हूँ, ताकि गाइस आपको आइडिया आ जाए कि आपको अपने परसेंटाइल पे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज लग सकता है सीएस और आईटी के लिए। और गाइस, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, गवर्नमेंट कॉलेज में भी हमें गाइस जो टाइप्स है वो देखने को मिलते हैं, जैसे फुल्ली गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। इन सभी कॉलेजेस का जो फीस स्ट्रक्चर है गाइस, वो कम रहता है एज कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। बट इस वीडियो में गाइज मैं आपको जो फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस है उन सभी कॉलेजेस के सीएस और आईटी के जो कट ऑफ है वो बताने वाला हूँ। गवर्नमेंट एडेड और यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट के जो कट ऑफ्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर से देख लेंगे। तो इतने सारे गवर्नमेंट फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेजेस गाइज हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो चलिए देखते हैं गाइज सभी कॉलेजेस के सीएस आईटी के कट ऑफ्स और देखते हैं कि कितना कट ऑफ जाता है इन सारे कॉलेजेस का। तो गाइज वीडियो पूरा एंड तक देखते रहे ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना गाइज, क्योंकि आने वाले वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए। तो इस लिस्ट पे गाइस सबसे पहला कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अमरावती। ये अरेंज किए गाइस मैंने अकॉर्डिंग टू कॉलेज कोड, तो रैंकिंग वाइज अरेंज नहीं है। तो चलिए देखते हैं गाइस इस कॉलेज के कट ऑफ। इस कॉलेज का स्टेटस अगर हम देखते हैं तो गाइस ये गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है, तो ऑटोनॉमस का जो फीस स्ट्रक्चर है गाइस वो हमें थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर कॉलेज ऑटोनॉमस नहीं रहता है, बस गवर्नमेंट रहता है, तो उसका फीस स्ट्रक्चर गाइस और भी कम हमें देखने को मिलता है। तो इस कॉलेज में गाइस कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ये ब्रांच हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। इस कॉलेज में गाइस ऑटोनॉमस है, तो यहाँ पे हमें स्टेट लेवल जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिल जाते हैं। पिछले साल गाइस इस कॉलेज का जनरल ओपन कैटेगरी का सीएस का जो कट ऑफ है वो गया था 97.07 परसेंटाइल फर्स्ट राउंड में, जनरल एससी कैटेगरी का गया था 92.81 परसेंटाइल, और फिर जनरल ओबीसी कैटेगरी का गया था गाइस 96.66 परसेंटाइल। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो वीजे का 90.66, एसटी का देख सकते हो गाइस एसटी का आपको जो कट ऑफ है वो थोड़ा कम देखने को मिलेगा, तो ये एडवांटेज हो सकता है एसटी स्टूडेंट्स के लिए। 77.09 परसेंटाइल के आसपास जो कट ऑफ है वो गया था, ये फर्स्ट राउंड के कट ऑफ है गाइस। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर इससे या फिर इससे ज़्यादा आपको परसेंटाइल है तो आपको इजीली जो कॉलेज है वो मिलने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। इस कॉलेज में हमें आईटी ब्रांच भी देखने को मिल जाती है, इसके भी हमें स्टेट लेवल कट ऑफ देखने को मिल जाता है। पिछले साल गाइज इस कॉलेज के जनरल ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो गया था 95.65 परसेंटाइल के आसपास, एससी कैटेगरी का गया था गाइज कट ऑफ 88.89 परसेंटाइल, एसटी कैटेगरी का गया था 72.11 परसेंटाइल, और जनरल ओबीसी कैटेगरी का गया था गाइज 95.189 परसेंटाइल, ठीक है। अगर इसके ऊपर आपको परसेंटाइल रहता है तो कॉलेज मिलने के जो चांसेस है गाइज वो रह सकते हैं। इस साल में भी थोड़े कट ऑफ ऊपर या नीचे हो सकता है, बट अगर इतने परसेंटाइल है या फिर इसके ऊपर अगर आपको थोड़े परसेंटाइल है तो ये कॉलेज मिलने के जो चांसेस है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा आपको रह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज। नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है गाइस यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग यवतमाल। आप देख सकते हो गाइस ये बस गवर्नमेंट कॉलेज है, इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिल जाएगा। ऑटोनॉमस ना होने के कारण गाइस यहाँ पे हमें जो कट ऑफ्स है वो होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी ऐसे टाइप में देखने को मिलती है। तो जो यवतमाल से हो गए तो उनके लिए होम डिस्ट्रिक्ट सीट्स अलॉटेड टू होम यूनिवर्सिटी कैंडिडेट का कट ऑफ वैलिड होगा, और जो अदर देन वो डिस्ट्रिक्ट है तो उनके लिए अदर देन होम यूनिवर्सिटी सीट्स के जो कट ऑफ्स है वो वैलिड होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज मैं होम यूनिवर्सिटी के जो सीट्स के कट ऑफ्स है वो आपको बताता हूँ। तो जनरल ओपन कैटेगरी का गाइज पिछले साल गया था 84.63 परसेंटाइल, तो इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कम जाता है, ठीक है, जैसा आप देख सकते हो। एससी कैटेगरी का गया था कि 75.03 परसेंटाइल, एसटी का 43 जो कि काफ़ी कम है, और जनरल ओबीसी कैटेगरी का आप देख सकते हो 83.34। तो इस कॉलेज का जो कट ऑफ है गाइस वो थोड़ा कम जाता है, गवर्नमेंट होते हुए भी गाइस इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो कम है, तो प्लेसमेंट्स वगैरह थोड़े कम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे। मे बी ऐसा कुछ सीन हमें देखने को मिल सकता है, प्लेसमेंट का भी वीडियो गाइस मैं ज़रूर से डाल दूंगा, वो देख लेना, उससे आपको प्लेसमेंट्स के बारे में भी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी, ठीक है। इस कॉलेज में गाइस हमें सीएसई देखने को मिलता है, आईटी देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट है गाइस यहाँ पे फिर गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग औरंगाबाद। ये कॉलेज गाइज एक बहुत बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज माना जाता है। ये कॉलेज भी गाइज एक गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है, इसके वजह से गाइज यहाँ पे हमें जो कट ऑफ्स है वो स्टेट लेवल कट ऑफ्स देखने को मिलते हैं। देखते हैं गाइज इस कॉलेज के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के कट ऑफ्स। इस कॉलेज के जो सीएस के कट ऑफ्स है गाइज वो हाई जाते हैं, आप देख सकते हो। जनरल ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ है गाइज वो गया था पिछले साल 97.52 परसेंटाइल, एससी का गया था गाइज 92.35 परसेंटाइल, एसटी का गया था 75.30 परसेंटाइल,
और फिर गाइज जनरल ओबीसी का आप यहाँ पे देख सकते हो 97.27% के आसपास जो कट ऑफ है गाइज हो गया था। बाकी सारे कट ऑफ गाइज आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट गाइज यहाँ पे आईटी भी हमें देखने को मिलता है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। यहाँ पे गाइज आईटी का जो कट ऑफ है वो गया था 96.38% ओपन कैटेगरी के लिए। एससी के लिए गया था गाइज 90.08%, एसटी का है गाइज 64.99, तो एसटी का कम देखने को मिलता है। और जनरल ओबीसी कैटेगरी का आप देख सकते हो गाइज 96.05%। प्लस गाइज हमें हर कट ऑफ में लेडीज़ कैटेगरी के भी जो कट ऑफ्स है वो देखने को मिलता है, तो लेडीज़ का भी कोटा होता है, तो जो गर्ल्स है उनके लिए गाइज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जब प्रेफरेंस फॉर्म आप भरोगे तो थोड़ा ध्यान रखना गाइज, इसमें आपको काफ़ी बढ़िया कॉलेज मिल सकता है इस फिल्टर का यूज़ करके, ठीक है। तो इसके बारे में मैं आपको ज़रूर से बताऊंगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। बट इस कॉलेज के जो कट ऑफ है गाइज वो हाई जाते हैं, अगर इसके ऊपर अगर आपको परसेंटाइल है तो आपको ये कॉलेज मिलने के जो चांसेस है वो रह सकता है। नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर, और सारे गवर्नमेंट कॉलेज में गाइज इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो सबसे कम जाता है ऐसा मुझे लग रहा है। आप देख सकते हो गाइज ये ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं है, बस गवर्नमेंट कॉलेज ही है। और जो कट ऑफ है गाइज वो आप देख सकते हो जनरल ओपन कैटेगरी का कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 78.32%, एससी कैटेगरी 61.50%, एसटी कैटेगरी बहुत ही कम 28.18%, और फिर जनरल ओबीसी कैटेगरी 73.53% के आसपास जो कट ऑफ से गए वो इस कॉलेज के गया था। इस कॉलेज को ज़्यादा रेकमेंड नहीं किया जाता है, अब इसके पीछे कुछ रीजंस है वो मैं आपको जब प्लेसमेंट्स के वीडियो में बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। तो और भी काफ़ी गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो हम देख लेते हैं पहले। तो नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नागपुर, ये भी कॉलेज गाइज एक बढ़िया कॉलेज हो सकता है इन फ्यूचर। अभी अभी मतलब ये जो कॉलेज है वो काफ़ी नया है, और जो प्लेसमेंट है वो भी मतलब एवरेज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लेसमेंट का वीडियो मैंने बनाया है ये देख सकते हो, और कैंपस कैसा है गाइज इस कॉलेज का इसका भी जो वीडियो है वो मैंने डाला है कैंपस टूर का, वो भी है जाके आप देख सकते हो, उसमें आपको कैंपस पूरा पता चल जाएगा इस कॉलेज का। कॉलेज कोड आप देख सकते हो, जो कॉलेज है गाइज ये गवर्नमेंट है, ऑटोनॉमस नहीं है। कॉलेज का जो फी स्ट्रक्चर है काफ़ी कम है, और इस कॉलेज में जो का इंटेक है गाइज वो बस 60 स्टूडेंट्स का ही है। तो आप देख सकते हो जनरल ओपन कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पे गया था पिछले साल 95.46%, एससी का 93.52%, एसटी का 71.56%, और जनरल ओबीसी कैटेगरी का 94.80% जो कट ऑफ है गाइज वो गया था। बाकी आप लेडीज़ कैटेगरी के लेडीज़ कोटा का जो कट ऑफ है गाइज वो आप यहाँ पे देख सकते हो। बट इस कॉलेज के जो कट ऑफ है गाइज वो और भी हाई जाने के जो चांसेस है वो लग रहे हैं, अब इस साल पता चलेगा गाइज। बट अगर इतना या फिर इससे ज़्यादा मिलता है आपको तो मिलने के चांसेस रह सकते हैं, क्योंकि ये कैपराउंड वन के ही कट ऑफ है, कैपराउंड टू में और भी थोड़े कम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज है गाइज यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जलगांव, ये एक गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है जो कि काफ़ी बढ़िया है बात है। ऑटोनॉमस और नॉन ऑटोनॉमस में क्या फ़र्क होता है गाइज इसके ऊपर वीडियो मैंने बनाया है, वो आप देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में या और आई बटन में आपको देखने को मिल रही होगी। तो इस कॉलेज का कंप्यूटर का आप जो कट ऑफ है वो देख सकते हो, जनरल ओपन कैटेगरी का 93.206% गया था, एससी कैटेगरी का 84.62%, एसटी कैटेगरी का 68.22%, वीजे का 90.43%, और जनरल ओबीसी कैटेगरी का जो कट ऑफ है गाइज वो गया था 91.58% के आसपास। तो कुछ इतने परसेंटाइल आपको लगेंगे गाइज कैटेगरी वाइज इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज गाइज हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ये गाइज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कराड, यहाँ पे हमें गाइज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये ब्रांच देखने को मिलती है। ये कॉलेज गाइज गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है जैसा कि आप देख सकते हो, कॉलेज कोड भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। इस कॉलेज का जो कट ऑफ है वो भी हाई जाता है, आप देख सकते हो, गवर्नमेंट जनरल ओपन का जाता है 96.60, एससी का 90.21%, एसटी का भी यहाँ पे 75 के आसपास है, वीजे का 91.47 है, और जनरल ओबीसी कैटेगरी का आप देख सकते हो 96.21% हमें जो कट ऑफ है वो देखने को मिलता है। और गाइज गवर्नमेंट कट ऑफ जो गवर्नमेंट ऑटोनॉमस होते गाइज उनके जो कट ऑफ है वो 95-96 के आसपास हमें देखने को मिलते हैं सीएस और आईटी के, ठीक है। तो ऐसे कॉलेज अगर आपको चाहिए होगे तो परसेंटाइल थोड़े हाई लगते हैं, अगर आपको है तो आप इन कॉलेजेस के बारे में सोच सकते हो। नेक्स्ट और सबसे बेस्ट कॉलेज है गाइज ये है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, जिसे हम COEP के भी नाम से जानते हैं। इस कॉलेज का कॉलेज कोड है 6006। ये भी कॉलेज गाइज एक गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है, फी स्ट्रक्चर थोड़ा हाई देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज। बट गाइज इस कॉलेज में जो प्लेसमेंट है, जो फैसिलिटीज़ है, वो वन ऑफ द बेस्ट है इन होल महाराष्ट्र।
कंप्यूटर का जो कट ऑफ है गाइज वो देख सकते हो बहुत ही हाई जाता है। मतलब जो टॉपर्स होते हैं जिनका रैंक AIR 1 या फिर 10 के अंदर 100 के अंदर जो रहते हैं उनको कॉलेज मिलने के चांसेस रहते हैं। जनरल ओपन आप देख सकते हो 99.94% CS, जनरल SC 99.04%, ST 95.37%। अभी तक हमने जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज देखे गाइज ST में 90 हमें देखने को नहीं मिला, यहाँ पे हमें 95 देखने को मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे OBC 99.867, यहाँ पे गाइज हमें पॉइंट भी मैटर करते हैं, पॉइंट से भी आपका जो नंबर है वो छूट सकता है, तो ये कॉलेज में जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाता है। लेडीज़ का भी आप यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देख सकते हो, ठीक है। तो ये गाइज सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के कट ऑफ्स, इनका जो PDF है वो भी आपको मिल रहा होगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ला, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आपको सारे जो कट ऑफ्स है गाइज वो देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। ये सभी कॉलेजेस के कॉलेज कोड है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, प्लस गवर्नमेंट एडेड यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट कॉलेजेस का भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, ताकि आपको पता चल जाए कि कौन से ऐसे कॉलेजेस है जिनका जो फीस स्ट्रक्चर है वो थोड़ा कम है पूरे महाराष्ट्र में, ठीक है। तो होप सो गाइज आपको ये जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कुछ भी डाउट या फिर क्वेश्चन होता है तो इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर देना, मैं ट्राई करूँगा गाइज कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू अपडेट्स मिलते रहें।